स्टूडेंट से, एक दो और स्टूडेंट से पूछ लेते हैं हम। कैसा रहा भाई पेपर? कितने क्वेश्चंस कर दिए? तो यहाँ पर और स्टूडेंट है। कैसा रहा पेपर भाई? कितने क्वेश्चन कर दिए? अंकल जी कहाँ से आए थे? हैं जी, लुहारी गांव से आए थे जी। कहाँ से? लुहारी गांव से, हरियाणा से। हरियाणा से बहुत दूर से आए हैं। हाँ जी, बढ़िया। कैसा यहाँ पर सुविधा वगैरह कैसा? हाँ जी, बढ़िया सुविधा थी, बढ़िया पेपर हुआ, अच्छी तरह से, बहुत बढ़िया। बच्चे का सरकारी नहीं है जी, हो जाएगा? हाँ जी, हो जाएगा। चलिए हम भी उम्मीद करेंगे कि हो जाएगा। थैंक यू। क्या नाम है भाई? मनीष। कहाँ से आए हो? मैं बिजवासन से आया हूँ, नजफगढ़ के पास है। अच्छा, बहुत बढ़िया। पेपर कैसा गया? पेपर मेरा बहुत अच्छा गया, लग रहा है ये इजी शिफ्ट था। इजी लगा ये शिफ्ट? ये शिफ्ट मेरे को इजी लगा। हम भी डेली रिव्यू कर रहा है तो स्टूडेंट बताते कि मैथ रीजनिंग तो सही आ रहा है, इंग्लिश भी सही आ रहा है, पर जीके जीएस में फंस रहा है। जीके जीएस में तो हर बंदा फंसता है पहली बात। प्लस में मेरी जीके जीएस इतनी स्ट्रांग भी नहीं है। मैं मैथ कह सकता हूँ, रीजनिंग कह सकता हूँ, मेरा बहुत अच्छा गया। और इंग्लिश तो मेरी हमेशा से अच्छी है, बाकी मैं जीएस का नहीं कह सकता क्योंकि इसमें पूरे 100% अटेम्प्ट किए हो। मैं मैथ में पूरा श्योर हूँ, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। रीजनिंग में श्योर हूँ, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। इंग्लिश और जीएस का है ना, हर बंदे का प्रॉब्लम होता है क्योंकि इंग्लिश है ना एक लैंग्वेज है, इतनी स्ट्रांग हो नहीं पाती है जल्दी। और मेरी 6 महीने ऑफ प्रिपरेशन है अभी, तो इंग्लिश तो मान के चलिए एवरेज गया है। बाकी जीके जीएस का मेरा डामा इसमें फिर भी 20+ करेक्ट हो जाएगा। अब 25 क्वेश्चन थे, आप मेरे हिसाब से, मैं ऑनेस्टली कहूँ तो 17+ मतलब 17-18 मान के करेक्ट जाएंगे। और जीके जीएस में? जीके जीएस में तो एक्चुअली तो मैंने 20+ क्वेश्चन किए हैं, लेकिन मुझे पता है नेगेटिव मार्किंग खूब लगने वाली है, मेरे आएंगे कुछ नहीं, घटेंगे। तुक्के भी लगा होंगे उसमें? 2-4 नहीं, ज़्यादातर तुक्के थे, 70% तुक्के थे। 1-2 सवाल मेरे को पता थे बस जीके जीएस में। मेरी कोई लूसेंट मैंने पढ़ी नहीं थी, इसलिए इसकी वजह से ऐसा हुआ। अच्छा, लूसेंट का क्या चक्कर है? उनमें से ही आता है क्या सारे ज़्यादातर सवाल? देखो, लूसेंट तो है, लूसेंट तो बेसिक है, लेकिन आपको है ना अभी मैराथन बहुत ज़रूरी होती है, जो अभी सारे कोचिंग जैसे RWA मैराथन देता है और गुरुकुल रैंकर्स गुरुकुल का मैराथन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस अगर ये लेके आए तो आपके चांसेस हैं कि 80% तक सही हो जाए जीके जीएस में। अच्छा, बाकी क्या कहना चाहो? जीके जीएस में ज़्यादातर क्वेश्चन इस शिफ्ट में कौन से टॉपिक से आ रहा है, कौन से सब्जेक्ट से? अब जो स्टैटिक रिलेटेड होता है ना, वो टॉपिक सबसे ज़्यादा आया है। मतलब स्टैटिक्स में ज़्यादा फोकस? हाँ, स्टैटिक पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए इस शिफ्ट में, ऐसा आया। मैं ये नहीं कह रहा कि स्टैटिक पे, बाकी तो अपना वही हिस्ट्री ज्योग्राफी ये सब बेसिस है, तो ये तो पढ़ना ही पड़ना है 100%। बाकी मेरी जीएस में तो 0% ऑफ प्रिपरेशन है, मैंने स्टार्ट नहीं किया है अभी अपने सिलेबस के हिसाब से। अच्छा, फिर भी लेवल कैसा लगा? मतलब जैसे कि ये MTS ऐसा लग रहा है, 10th लेवल का या CGL लेवल का, किस लेवल का? नहीं, ये तो MTS लेवल का ही लगा। CGL लेवल का तो मेरे को कुछ नहीं लगा इसमें। हाँ, क्योंकि CGL का एक अलग लेवल हो जाता है। हाँ, 1-2 शिफ्ट आते हैं, लेकिन ये शिफ्ट नहीं था। और करंट अफेयर्स कहाँ से आ रहा है? और ज़्यादातर देखा जा रहा है स्टूडेंट के जो क्वेश्चन छूट जा रहा है जीके जीएस में, वो ज़्यादातर करंट अफेयर्स से छूट जा रहा है ना। हाँ, अब मैंने आपको जैसे बताया कि मेरी प्रिपरेशन तो है नहीं जीके जीएस में, ना मैंने करंट देखा, बस मैं मैराथन देख के आया, उसके बेसिस पे मैं बता नहीं सकता, कुछ जानकारी नहीं है इतनी कि करंट से ज़्यादा है कि किससे, मेरे को उतना पता नहीं चला। बाकी स्टैटिक्स के मेरे क्वेश्चन मिले, स्टैटिक के मैंने देखे क्वेश्चन पढ़े हैं, उसके हिसाब से आए हैं। तो मैराथन से फ़ायदा मिला कुछ क्वेश्चन? बिल्कुल, मेरे को RWA के मैराथन से बहुत फ़ायदा मिला और गुरुकुल के मैराथन से भी बहुत फ़ायदा मिला। और एक सर ने एक क्लास ली थी यूट्यूब में, जैसे कि तुम बता रहे हो ये मैराथन वाले बात, तो यूट्यूब में और भी टीचर पढ़ाते हैं, जीएस सबसे ज़्यादा कौन अच्छा पढ़ा रहा है? जीएस, जीके जीएस, रैंकर्स गुरुकुल हो गया, कैरियर व्हील हो गया, फिर RWA हो गया, और भी बहुत सारे चैनल हैं। एक चैनल आता है परमार SSC करके, हाँ नाम सुना है, कैसा है? उसी के मतलब गाइडेंस में मैं चलता हूँ हैं। फिलहाल अभी तो मैंने चूज़ कर रखा है क्योंकि मेरे को सजेस्ट करा है सीनियर्स ने, तो उसके हिसाब से मैं भी देखूंगा, हो सकता है जीएस के लिए परमार SSC। हाँ, और मैथ्स के लिए आदित्य रंजन सर। अच्छा। गगन प्रताप भी बहुत बेस्ट है। हाँ। रीजनिंग के लिए अपने वो क्या नाम है उनका, नाम भूल गया मैं सर का, विक्रमजीत सर। अच्छा। ये बहुत अच्छे हैं, ब्रिलियंट सर है। और इंग्लिश के लिए बता नहीं। अच्छा, इंग्लिश के लिए ये बताओ, वोकैब ज़्यादातर कहाँ से आ रहा है? नीतू मैडम के बुक से आ रहा है या फिर रानी मैडम? मेरे पास पर्सनल नीतू मैम की बुक है। हाँ। उससे आता है बढ़िया। ब्लैक बुक मैंने देखी तक नहीं अभी तक ढंग से। बाकी नीतू के एक दो और टीचर जो तुम्हारे जानकारी में बेहतर है टीचर? हाँ। इंग्लिश के आप प्रशांत सर लगा लीजिए गुरुकुल के, नीतू मैम की तो बुक बहुत अच्छी है। पर्सनली मैम से मैंने पढ़ा नहीं है तो मैं उनको रिव्यू भी नहीं कर सकता, बाकी बुक उनकी बहुत अच्छी। जयदीप सर के
नहीं, इनका करियर व्हील वाले ना, उनका कोई आइडिया नहीं मेरे को। मैंने कभी ना क्लास देखी ना मैराथन ना पढ़ा है। शक्ल देखी है, बॉडी अच्छी है। अच्छा ठीक है, चलो अंत में क्या कहना चाहोगे जो भी आने वाले बच्चे हैं जिनका पेपर है आने वाले दिनों में, कैसे मतलब तैयारी करके आए, कहाँ से ज़्यादा फोकस? देखो भाई, ये MTS लेवल की जॉब है, मेरे लायक है। आप ग्रेजुएट बंदे तो बिल्कुल मत दो, भीड़ बढ़ेगी ज़्यादा, और बस भीड़ बढ़ा रही तो वैसे ही बढ़ रही है। CGL वाले ही ज़्यादा तरह। बिल्कुल, मैं खुद CGL वाला हूँ। लेकिन आओ मत। चलो ठीक है भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके।